अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार की बहुत ही फेमस मटन चंपारण की रेसिपी लाई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये टेस्ट में भी बहुत कमाल का होता है। इसका बनाने का जो तरीका है, इससे हमारा गोश्त बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बनता है। तो चलिए बिस्मिल्ला करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है, 300 ग्राम प्याज बारीक कटा हुआ, लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट 2 चम्मच के आसपास, आधा चम्मच काली मिर्च कुटा हुआ, 1 चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इसके कलर बहुत अच्छा आएगा, और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 4 छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायची, आधा चम्मच के आसपास काली मिर्च, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, 3 तेज पत्ता, 4 लौंग, छोटा सा पत्थर फूल, थोड़ा सा जावित्री, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, 3 साबुत लहसुन, आधा कप सरसों का तेल। इसे मैंने 10 मिनट पैन में पका लिया था और ठंडा करने के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन सभी मसालों को हम गोश्त के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर हमारे गोश्त में आ जाए। ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। इसे अभी हम साइड में रख के एक मिट्टी का बर्तन लेंगे और इसमें बचा हुआ तेल डाल देंगे और इसे इस तरीके से घुमा लेंगे ताकि जब हम अपना गोश्त रखें तो गोश्त चले नहीं। मैंने यहाँ पे एक मिट्टी की हंडी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मिट्टी का हंडी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक मोटे बेस का कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ अपना गोश्त डाल रहे हैं, जिसे मैं चारों तरफ फैला दे रही हूँ। जो मटन चंपारण होता है, मिट्टी की हंडी में बनता है, जो इसका टेस्ट और फ्लेवर उठ के आता है, इस मिट्टी के बर्तन की वजह से आता है। अब इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे और गुटे हुए आटे का लोई लेके इसे हम चारों तरफ से अच्छी तरीके से सील कर देंगे, क्योंकि ये अपने ही स्टीम से ही पकेगा, और धीमी आंच पर इसे हम रख देंगे करीब 45 मिनट के आसपास, और हर 10 मिनट में हम इस तरीके से मटकी को घुमाएंगे ताकि हमारा गोश्त नीचे से जल ना जाए। पैतालीस मिनट हो गए हैं, मैंने गैस बंद कर दिया है। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम इसका सील खोलेंगे। ऐसा कट मारेंगे। पूरा खुल गया। अभी इसका ढक्कन हम हटाएंगे और हरी धनिया से गार्निश करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है इसका, और ये देखिए इसका गोश्त भी मस्त पक गया है। इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे रोटी, नान, चावल से इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ये वीडियोस भी जरूर देखिएगा, काफी बेहतरीन रेसिपीज है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आएंगे। सीखते रहिए, बनाते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।